बाजी से पूछ लेती हूँ कि उन्हें कोई मेरी मदद की जरूरत तो नहीं। करने को बुरी बात माना जाता है अम्मी। वो दरअसल मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैंने सोचा एक बार बाजी से पूछ लूं कि उन्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। आप आ गए? काफी लेट हो गए, थके हुए भी लग रहे हैं। मैं आपके लिए खाना लेकर आऊं? नहीं। लेकिन खाना तो खा लीजिए। वो एक्चुअली मैंने ऑफिस में मंगवा के खा लिया था। फरान, ये आपके पीठ पे निशान कैसे है? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो ऑफिस के स्टोरेज रूम से मैं कुछ फाइल्स निकाल रहा था ऊपर से, तो मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। बस कुछ नहीं, हल्की सी खरोच है। आपको तो बहुत दर्द हो रहा होगा, रुकिए मैं ऑइंटमेंट लेकर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, नेखा कोई जरूरत नहीं, हल्की सी खरोच है, ठीक हो जाएगा। तुमने खाना खाया? Don't tell me, तुम मेरे लिए वेट कर रही थी। नेखा प्लीज आइंदा ऐसे मत करना, ठीक है? प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। देखो मेरे लिए खाने पे इंतजार मत करना, अगर तुम मना करोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। एक काम, यहाँ बैठो, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रहा हूँ। खाना मैं ले आती हूँ। बैठ जाओ, मैं लेकर आ रहा हूँ ना। बैठो, मैं लेकर आता हूँ, ठीक है? ये रहा खाना, चलो अभी खाना खा लो। इतना ज्यादा खाना कहाँ है, ये तो बहुत कम है। क्या हुआ निकात, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रिलैक्स, ओके? एक काम करो, ये लो पानी पी लो। लो सॉरी, मुझे देर हो गई। सॉरी देर हो गई, अगर कल तुमने अच्छे से साफ कर लिया होता ना तो आज इतनी देर नहीं होती। अरे इतनी देर में तो ताजमहल साफ हो जाता है। नजमा को देखो है, सबको नाश्ता भी बना के खिला रही है। सॉरी अम्मी। अब तो अच्छे से साफ हो गया ना वॉश बेसिन, शक्ल दिखनी चाहिए उसमें आईने की तरह।
बटर खत्म हो गया, एक मिनट। अम्मी, अम्मी। हाँ? जरा मक्खन लेके आएगा प्लीज। अच्छा। निखत को चाहिए। सॉरी बेटा, मक्खन खत्म हो गया। कोई बात नहीं अम्मी, जैम भी चलेगा। जैम तो परसों खत्म हो गया, होता तो मैं खुद नहीं खाती। एक काम करो, ब्रेड लो, ऐसे फोल्ड करो और ऐसे डुबो डुबो के खाओ। अयान, भाभी अयान सांस नहीं ले रहा। अयान, मेरा बेटा पीला पड़ रहा है भाभी। किसी को कुछ पता है क्या करना चाहिए? हाँ मैं जानती हूँ, आप हटिए, मैं करती हूँ। आप दूर रहिए। नहीं, तुम हटो उसे, कन्या अब नहीं होगा। आप ये सब लोग आप प्लीज उसके पैर रख दीजिए। मैं मिस्टर खान को फोन करके बता ही देती हूं कि थोड़ा वक्त लगेगा। डॉक्टर साहब, अयान ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, अब चिंता का कोई कारण नहीं है, मैंने दवाई दे दी है। अयान कैसे हैं आप? अच्छा है अभी। अरे वो तो खुदा का शुक्र है कि डॉक्टर साहब वक्त पर आ गए, वरना तुम्हारे भरोसे रहते ना तो न जाने क्या हो जाता। आप क्या कह रहे हैं रजिया जी? जोया ने जो कुछ किया वो बड़ी बी ने मुझे बताया। सच कहूं तो उसी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की वजह से आज आयन की जान बची है। हाँ तो वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये पहले से ही वहां बैठी होती ना तो ये नौबत ही ना आती। पास बैठने से कुछ नहीं होता, ये एक दवाई का एलर्जिक रिएक्शन था, अब दवाई मैंने रिप्लेस कर दी है। हाँ, ऐसे केस में अगर देर हो जाए तो मरीज की जान को खतरा हो सकता है। आप लोग लकी हैं कि ऐसी बहू मिली है आपको। Thank you.
पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।